महामुकाबले से एक दिन पहले टीम इंडिया के इस खिलाड़ी ने किया संन्यास का ऐलान। रोहित को बताया अपना दुश्मन बीसीसीआई हुई परेशान। इस ऐलान के बाद जैसा ने बुलाई मीटिंग, होगी बड़ी कार्यवाही। आखिर क्यों किया इस खिलाड़ी ने संन्यास का ऐलान? कभी हुआ करता था धोनी का सबसे बड़ा हथियार, रोहित ने इसके करियर को कर दिया बर्बाद। कांप गया पूरा क्रिकेट जगत। लो जी, जिसका डर था वही हुआ। भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच शुरू होने में अब एक दिन का ही समय रह गया है, लेकिन इसी बीच टीम इंडिया के सबसे घातक खिलाड़ी ने क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। इस खिलाड़ी से इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद जताई जा रही थी, मगर इस खिलाड़ी ने एक ऐसा कदम उठा लिया है जिसकी वजह से 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का खून पूरी तरह से खौल उठा है। इस खिलाड़ी ने जैसे ही क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया पूरा क्रिकेट जगत कांप गया है। बीसीसीआई को भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि एक दिन बाद ही इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैचों की शुरुआत होने जा रही है और अचानक से टीम इंडिया के सबसे घातक खिलाड़ी ने संन्यास का ऐलान क्यों कर दिया है। दोस्तों, यह खिलाड़ी काफी टाइम से रोहित शर्मा की खराब कप्तानी की वजह से नाराज चल रहा था। रोहित शर्मा ने इस खिलाड़ी के अच्छे खासे क्रिकेटिंग करियर को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। रोहित को इस खिलाड़ी से नफरत हो चुकी है। जो खिलाड़ी धोनी का सबसे बड़ा हथियार हुआ करता था, धोनी इस खिलाड़ी के लिए बीसीसीआई से भी बगावत करने के लिए तैयार हो जाते थे। बिना इस खिलाड़ी के महेंद्र सिंह धोनी एक टेस्ट मैच भी नहीं खेला करते थे। अब वही खिलाड़ी पिछले 2 सालों से रोहित शर्मा की कप्तानी में एक मैच खेलने के लिए तरस रहा है। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में भारतीय टीम अगर अंग्रेजों को 5-0 से हरा देती है तो हिंदुस्तान का लगातार 3री बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में खेलना लगभग फिक्स हो जाएगा। अचानक क्रिकेट से संन्यास लेने वाला खिलाड़ी दोस्तों कोई और नहीं बल्कि भारतीय टीम के सबसे बेहतरीन स्पिनर में से एक रविचंद्रन अश्विन है। दरअसल रविचंद्रन अश्विन ने कुछ दिन पहले अपने यूट्यूब चैनल पर कहा था कि उनका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आखिरी समय चल रहा है, वह कभी भी क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर सकते हैं। लाइव चैनल पर अश्विन के इस बयान के बाद से ही पूरे हिंदुस्तान में बवाल मचा हुआ है। अश्विन के चाहने वालों इस बात को पचा नहीं पा रहे कि आखिर उनका सबसे पसंदीदा गेंदबाज श्रेष्ठ क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान क्यों कर सकता है। वनडे और T20 से तो रविचंद्रन अश्विन को काफी टाइम से टीम इंडिया में मौका नहीं मिल रहा है। दोस्तों, रविचंद्रन अश्विन ने अचानक से संन्यास का ऐलान क्यों किया, इसका पता लगाने के लिए बीसीसीआई के पूरे अधिकारियों ने भी आनन फानन में मीटिंग बुला ली है। अब यह फैसला होना बाकी है कि क्या रविचंद्रन अश्विन सच में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने जा रहे हैं या फिर रविचंद्रन अश्विन ने ऐसे ही यह बयान दिया था। वहीं पर दोस्तों, अगर रविचंद्रन अश्विन के क्रिकेटिंग करियर की बात करी जाए तो रविचंद्रन अश्विन ने अब तक भारतीय टीम के लिए 95 टेस्ट मैचों की 179 पारी खेलकर 490 विकेट चटका चुके हैं। मतलब कि रविचंद्रन अश्विन अपने 500 टेस्ट विकेट से सिर्फ 10 रन ही दूर हैं। और वहीं पर रविचंद्रन अश्विन ने अब तक भारतीय टीम के लिए 116 ODI मैच खेलकर 156 विकेट वनडे मैचों में भी ले चुके हैं, तो 65 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच भी खेले हैं रविचंद्रन अश्विन ने भारतीय टीम के लिए। इस दौरान रविचंद्रन अश्विन ने T20 मैचों में भी 72 विकेट चटका चुके हैं। अगर रविचंद्रन अश्विन 5 टेस्ट मैच और खेल लेते हैं तो रविचंद्रन अश्विन हरभजन कुंबले के बराबरी पर आ जाएंगे, क्योंकि अनिल कुंबले भी 100 टेस्ट मैचों से ज्यादा टेस्ट मैच खेले थे। वैसे दोस्तों, आप सभी लोगों को क्या लगता है, क्या आर अश्विन सच में क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर सकते हैं? वैसे देखा जाए तो दोस्तों, रविचंद्रन अश्विन पिछले अभी जो WTC का फाइनल जो खेला गया था, उस WTC के फाइनल से भी रोहित शर्मा रविचंद्रन अश्विन को प्लेइंग 11 से बाहर कर दिए थे। काफ़ी ज़्यादा टेस्ट मैच खेला गया है और हर एक टेस्ट में, ज़्यादातर टेस्ट मैचों में रोहित शर्मा की कप्तानी में रविचंद्रन अश्विन का प्लेइंग 11 में जगह पर बना पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा है। खैर, आप लोगों का इस पूरे मैटर पर क्या कुछ ख्याल है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जोड़ दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।